हाँ जी, देखिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। दिविजा का डाउट था ये। तो क्वेश्चन क्या है, 1 + sin² θ इज इक्वल टू 3 sin θ cos θ। तो प्रूव क्या करना है कि टेंजेंट थीटा या तो 1 होगा या फिर क्या होगा बेटा, 1/2 होगा। तो मैंने आपको कई बार बताया, कई बार ऐसा भी होता है ये जो 1 है ना, इसकी जगह हमें कोई आइडेंटिटी लिखनी पड़ जाए। तो 1 sin²θ + cos²θ भी होता है, sec²θ - tan²θ भी होता है, cosec² θ - cot²θ भी होता है। लेकिन यहाँ पे हमें साफ पता लग रहा है कि 1 को क्या पुट करना चाहिए, sin²θ + cos²θ। ठीक है बेटा, और आगे एक sin²θ तो है ही हमारे पास, और इस तरफ क्या है, 3 sin θ cos θ, ये इधर ले आता हूं। ठीक है, और इक्वल टू किसके रख देता हूं, 0 के। अब यहां पे थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, रुको। पहले sin²θ sin²θ, 2 बार sin²θ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin²θ। हाँ या ना, यस सर। इसको मैंने लिख दिया 2 sin²θ। आ जाओ, 2 sin²θ एक तो हमारे पास इस क्वेश्चन में, और एक प्लस का cos²θ है, और -3 sin θ cos θ। अब यहां पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। वो दिमाग ये लगाना है, अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें तो क्या मैं इसको -3 sin θ cos θ को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं कि -2 sin θ cos θ और एक अलग से -sin θ cos θ। हां जी बेटा, यस इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और आगे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, प्लस का cos²θ इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म में से मैंने डेलिब्रेटली ऐसा किया। अब पहली दो टर्म में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, देखो आप, 2 sin θ कॉमन आएगा, तो यस अंदर क्या रह जाएगा, sin θ - cos θ रह जाएगा। इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, माइनस का cos θ, अंदर क्या रह जाएगा बेटा, साइन साइन। थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो sin θ - cos θ दोनों ब्रैकेट्स यहां पे प्रेजेंट है ना, ये पूरे में से कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या रहेगा बेटा, 2 sin θ - cos θ। अब ये दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है। क्या बोला, इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है। या तो पहली ब्रैकेट होगी इक्वल टू 0, तो sin θ इक्वल टू cos θ आ गया, या फिर sin θ / cos θ इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है बेटा, और sin θ / cos θ क्या होता है बताना, टेंजेंट थीटा। सर तो एक तो ये प्रूव हो गया कि टेंजेंट थीटा 1 है। अब इस वाली ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। अगर मैं इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखूंगा, 2 sin θ - cos θ इक्वल टू 0 रखूंगा, तो 2 sin θ इज इक्वल टू cos θ। हाँ या ना, या साइन यस सर। थीटा के नीचे cos θ ले आऊं और 2 उधर ले जाऊं नीचे, और sin θ / cos θ क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा। वो क्या प्रूव हो गया बेटा, 1/2। एक बार टेंजेंट थीटा 1 प्रूव हो गया, और एक बार टेंजेंट थीटा क्या प्रूव हो गया बेटा, 1/2। यही हो गया।